फ्लावर इज द मॉडिफाइड फ्रूट. हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्लावर को पढ़ने. फ्लावर इज द मॉडिफाइड फ्रूट. जो प्लांट का फ्लावर होता है वो फ्रूट का मॉडिफिकेशन होता है. अगर आप प्लांट में देखोगे तो प्लांट में नोड दिखाई देंगे, ठीक है, और दो नोड के बीच में जो होता है स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड. व्हाट इज इंटरनोड? अब इंटरनोड के पास, अब नोड के पास से कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसको हम लोग ऑक्सिलरी बर्ड बोलते हैं. यही ऑक्सिलरी बर्ड डेवलप करके ब्रांचेस का फॉर्मेशन करते हैं या लीफ का फॉर्मेशन कर सकते हैं या कभी कभी डेवलप करके फ्लावर का फॉर्मेशन. तो फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट. ये क्या है? मॉडिफाइड सूट. फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड सूट. अब फ्लावर का एक स्ट्रक्चर देखिए कि अगर आप फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हो तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि फ्लावर में दो पार्ट होते हैं. एक होता है इसेंशियल पार्ट और दूसरा होता है नॉन इसेंशियल पार्ट. इसेंशियल पार्ट में आपके आ जाएंगे एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. एंड्रोसियम इज द मेन पार्ट एंड गाइनोसियम इज द फीमेल पार्ट. यानी कि दो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग इसेंशियल पार्ट होते हैं और जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इसेंशियल पार्ट फ्लावर का, ठीक है. अब बहुत सारा स्टेमेन होगा तो एंड्रोसियम बोलेंगे. एंड्रोसियम के यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टेमेन. और गाइनोसियम के यूनिट को क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है ना. ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड गाइनोसियम एंड ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड. अब स्टेमेन क्या होता है? तो स्टेमेन देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इसमें दो पार्ट है, एक फिलामेंट है और ऊपर में एक बाइलोबल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना. ये क्या होता है? बाइलोबल स्ट्रक्चर. तो एंथर, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर. इसी के अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. इसके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. तो एंथर जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? बाइलोब. एंथर इज ए बाइलोब स्ट्रक्चर. बाई एन ओ बी ई टी, बाइलोब स्ट्रक्चर, ठीक है ना. एंथर कैसा होता है? बाइलोब स्ट्रक्चर होता है. बिकॉज एक लोब आपको दिखाई दे, दूसरा लोब दिखाई दे रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे आओगे नीचे तो एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट. तो एंथर और फिलामेंट को मिला करके कंबाइनली क्या बोला जाता है? स्टैमेन बोला जाता है, ठीक है ना. ये आपका जो बीच वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल. ये पूरे पार्ट को, जिसमें कि जो स्वेलन पार्ट है इसको ओवरी कहा जाता है. ये लॉन्ग पार्ट है, ये स्टाइल हो गया. और जो ऊपर में फ्लैट पार्ट होता है इसको स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है ना. तो ये दो पार्ट हो गए फीमेल. इसके अंदर में ओव्यूल है, ठीक है. ओव्यूल के अंदर में फीमेल एक सेल पाई जाती है. देखिए आपका एक सेल का स्ट्रक्चर बना है, ये एक सेल है. ये कैसे बना है? हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में समझेंगे इसको, ठीक है ना. वी विल ट्राई टू सी इन द मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, राइट. ओके, सो यहां पे ओव्यूल है, इसके ऊपर में ओवरी है, ये स्टाइल हो गया. कंबाइनली पूरा पार्ट को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल. और अगर काफी सारे पिस्टिल हो जाएंगे तो कंबाइनली बोला जाएगा गाइनोसियम. तो यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड पिस्टिल. अब फ्लावर आपके दो होंगे. फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे जिसको मोनोसियस भी कहते हैं. मोनोसियस का मतलब एक ही प्लांट में, एक ही फूल में दोनों सेक्स पाया जाना, एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स पाया जाना, बाइसेक्सुअल फ्लावर. तो दैट इज कॉल्ड मोनोसियस, ठीक है. यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कि एक ही सेक्स पाया जाए. फॉर एग्जांपल में एस्पार्गस का एग्जांपल दे सकते हो, पपाया का एग्जांपल दे सकते हो. और मैक्सिमम प्लांट आपको जितने एंजियोस्पर्मिक प्लांट दिखाई दे रहे हैं, मैक्सिमम प्लांट बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं जिनके एक ही फूल में. आपको कई सारे एग्जांपल में, आप कॉमन एग्जांपल चाइना रोज का हिबिस्कस प्लांट का एग्जांपल ले सकते हो, है ना. तो देयर आर बाइसेक्सुअल प्लांट्स एंड सम ऑफ द प्लांट्स आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है. तो यूनिसेक्सुअल प्लांट में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है. तो ये यूनिसेक्सुअल प्लांट को हम लोग बोलते हैं डायोसियस प्लांट. मतलब कि मेल अलग पार्ट पे है और फीमेल पार्ट अलग है. एंड्रोसियम अलग फूल में रहेगा, फ्लावर में रहेगा, और डायोसियम अलग फ्लावर में रहेगा. तो इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है. तो अब यदि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो या तो उसमें स्टेमेन वाला पार्ट होगा, है कि नहीं, या तो पिस्टिल वाला पार्ट होगा. तो पिस्टिल वाला गायब है, फीमेल पार्ट गायब है, सिर्फ स्टेमेन है. तो स्टेमिनेट बोलेंगे,
और अगर स्टेमेन नहीं है फिर पिस्टिल है तो पिस्टिलेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट प्लस स्टैमेन या पिस्टिलेट, ठीक है। अब फ्लावर में बात करोगे यहां पे आकर के, तो फ्लावर में अगर मैं इस एंथर को काट करके स्टडी करूं, ट्रांसवर्स सेक्शन का स्टडी करोगे, एंथर को आप काट करके माइक्रोस्कोप से स्टडी करोगे तो आपको इस तरह का पिक्चर मिलेगा। एंथर के ऊपर में जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एंथर के ऊपर में फोर लेयर पाए जाते हैं, फोर बॉल्स, तो एपिडर्मिस, उसके नीचे पाया जाता है एंडोथेसियम, उसके नीचे पाया जाता है मिडिल लेयर, उसके नीचे पाया जाता है टैपटम। टैपटम सबसे लोअर लेयर होता है, सबसे इनर लेयर होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिटिव लेयर, ठीक है ना। पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है, ये न्यूट्रिटिव लेयर का काम करता है कि नहीं। और इसके अंदर में ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखा दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंगिया, यही बाद में डेवलप करके बनाता है पोलन सैक। पोलन सैक मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर वेयर द पोलन इज प्रेजेंट, और वही पोलन सैक जब एंथर का डिस्टेंस होगा तो उस एंथर का डिस्टेंस का मतलब एंथर जब रप्चर करेगा आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ फ्लावर, तो वो जो पोलन सैक होगा वो रप्चर हो जाएगा और उसके पोलन ग्रेन डिस्पर्स हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और वो जाकर फीमेल प्लांट में चले जाएंगे, फीमेल को पॉलिनेट कर देंगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। अब हमको ये कहना है कि इसके अंदर में एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, इसके अंदर में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मियोसाइट। क्या बोलते हैं? मियोसाइट, जो मियोसिस करता है। तो मियोसाइट का हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए एक सेल है जिसका नाम है पोलन मदर सेल। पीएमसी का पूरा नाम क्या होता है? पोलन मदर सेल, ठीक है ना। पोलन मदर सेल ने डिवाइड किया, मियोसिस से डिवीजन किया, तो ये डिप्लॉयड सेल था, ये चार हैप्लॉयड सेल बना है, और चारों हैप्लॉयड सेल सेपरेट करके चार फंक्शनल माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किया, फोर फंक्शनल माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर के बनने के प्रोसेस को आपको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। अब ये माइक्रोस्पोर जब डेवलप करेगा तो क्या बना देगा? पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर डेवलप करेगा तो क्या बना देगा? पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन्स जब डेवलप होंगे तो फिर पोलन ग्रेन्स जाएंगे और फीमेल के स्टिग्मा पे जाकर के फॉल करेंगे, यहाँ पे पोलन ट्यूब बनाएंगे और ओव्यूल के अंदर में फीमेल गैमेट होती है एक से, वहां पे आएंगे उसके साथ फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। अब अगर हर एक पोलन ग्रेन्स का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो देखोगे कि पोलन ग्रेन्स के ऊपर में एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर पाया जाता है जो कि जिसको हम लोग एग्जाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जाइम। और उसके अंदर में एक और लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटाइम। तो एग्जाइम लेयर एक मटेरियल का बना होता है स्पोरोपोलनिन। एग्जाइम किसका बना होता है? स्पोरोपोलनिन, ठीक है। और इंटाइम किसका बना होता है? इंटाइम जो होता है वो पेप्टोसेलुलोजिक होता है, सेलुलोज का बना होता है ना। और इसके अंदर में दो सेल्स पाए जाएंगे, एक को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक सेल्स और दूसरे को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। जब पोलन जाकर के स्टिग्मा पर फॉल करेगा तो ये जर्मिनेट करेगा, तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इस पोलन ट्यूब को कहां से अंदर आना है? इसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर में फीमेल गैमेट होती है, ठीक है। तो इसके लिए एक पोलन ट्यूब बनाता है, तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन करता है? इसका वेजिटेटिव सेल। और जेनेटिक सेल्स फिर से डिवाइड करके दो मेल गैमेट का, तो जेनेटिक सेल फिर से माइटोसिस करेगा और दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देगा, और दोनों मेल गैमेट बारी बारी से फर्टिलाइज करेंगे। एक मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा एक सेल के साथ और दूसरा मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा पोलर बॉडी के साथ। इसके अंदर में जो पोलर बॉडी है ये कैसे बना है पूरे स्ट्रक्चर का हम अभी समझेंगे, ठीक है ना। तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ग्लैजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिंगल फर्टिलाइजेशन ना कह करके डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, है कि नहीं। अब अगर देखिए, है ना, अब देखिए कि जो अंदर में फीमेल की जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम होता है एम्ब्रायो सैक, ठीक है। एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रियो सैक का आपने नाम सुना होगा, है ना। तो एम्ब्रियो सैक होता है, तो एम्ब्रियो सैक जो सेल होता है ना, उसके यहाँ ओव्यूल है, ओव्यूल में छोटे छोटे सेल्स होते हैं डिप्लॉयड सेल, जो न्यूसेलस जिसको बोलते हैं,
तो न्यूक्लियस में सेल होता है, जैसे वहां पे आपने एक बताया मीयोसाइट, यहाँ पे न्यूक्लियस सेल था और उसका नाम दिया आपने मेगास्पोर बनने से। यहाँ पे मेगास्पोर बनेगा, वहां पे माइक्रोस्पोर बना था, क्योंकि माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल गैमेट तक बनाएगा बाद में जाकर डेवलप करके पॉलीमरेज, पॉलीमरेज तक मेल गैमेट। तो माइक्रो का मतलब छोटा, यहाँ पे जो स्पोर बनेगा वो छोटा होगा और यहाँ पे जो स्पोर बनेगा वो बड़ा स्पोर, वैसे इसका नाम होगा मेगा स्पोर, है ना। तो फीमेल में जो स्पोर बनता है वो लार्जर होता है कंपेरेटिव टू द मेल। तो एक होता है मेगा स्पोर मदर सेल, वो मियोसिस करेगा, वहां भी मियोसिस किया था, मियोसिस करने के बाद चार सेल बनाए थे हम लोग और चारों फंक्शनल थे, तो ये मेगा स्पोर टेट्राड बनाए थे, ठीक है ना। यहाँ पे भी वहां पे माइक्रो स्पोर टेट्राड बनाया था और यहाँ पे मेगा स्पोर टेट्राड बनाया। इस मेगा स्पोर टेट्राड में से तीन मेगा स्पोर जो हो जाएगा वो डीजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाकी एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल होता है और एक मेगा स्पोर तीन बार माइटोसिस करेगा। पहले तो मियोसिस किया, चाहे अब ये माइटोसिस करेगा, तो एक बार करेगा तो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, टोटल एट सेल बन गए, ठीक है। आठ सेल में से दो सेल बीच में आकर के फ्यूज कर जाएंगे, जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियस बोलेंगे, एक सेल बना लेगा। तो एक सेल के में दो सेल अगर आ गया, दो आपका आ गया, जैसे देखो अगर ये दो चला गया दो सेंटर में, तो आपके पास सिक्स बच गए, सिक्स में से थ्री सेल ऊपर चले गए, थ्री सेल ऊपर के बन गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल। और थ्री सेल्स जो हो गया वो नीचे की तरफ आ गया, इसमें दो सेल बना दिया सिनर्जी, क्या बना दिया, और एक सेल जो हो गया वो एक सेल का फॉर्मेशन किया सिनर्जी के ऊपर में दिखाई दे, छोटा सा फिल्ली फॉर्म अपरेटस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिल्ली फॉर्म अपरेटस। अब यहीं से आकर के पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब इसमें इंटर करेगा, इसके अंदर में ओव्यूल है, ये स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, तो ये एम्ब्रियो सैक इसी ओव्यूल के अंदर में पाया जाएगा। अब यहां से पोलन ट्यूब ऐसे आकर के इंटर करेगा तो इसी फिल्ली फॉर्म अपरेटस के द्वारा इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद जो होता है वो इसमें दो मेल गैमेट होते हैं, एक पोलन ट्यूब में कितने मेल गैमेट होते हैं, दो मेल गैमेट होते हैं, है ना। तो एक मेल गैमेट आकर के फ्यूज कर जाएगा आपका एक सेल से, और दूसरा मेल गैमेट आकर के फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, पोलर बॉडी के साथ, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन। अब जो एक सेल के साथ फ्यूज करेगा वो डेवलप करके बनाएगा एम्ब्रियो, और जो पोलर, और जो पोलर बॉडी के साथ जो फ्यूज करेगा वो डेवलप करके बनाएगा एंडोस्पर, क्या बनाएगा। तो यहां से जो डेवलप, यहां से जो फर्टिलाइजेशन हो गई वो बना देगा इम्ब्रायो, इम्ब्रियो जो डेवलप करके बनाएगा बाद में सीड, ठीक है ना। अब ये जो होगा ये एंडोस्पर्म बनाएगा, क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, ठीक है ना। तो एंडोस्पर्म डेवलपिंग इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, तो एंडोस्पर्म इज नथिंग बट इट इज द स्पोर, ठीक है। तो एक बार फिर से यहां तक ब्रीफिंग कीजिए, फ्लावर इज, फ्लावर हैविंग टू पार्ट्स, essential part and non-essential part, this is the sepal, है ना, ये sepal और ये petal, ये non-essential part होता है। sepal जो होता है वो green color का होता है basically, और जो petal होता है वो colorful होता है, क्योंकि insect को attract करना होता है, जो कि pollination के लिए एक advantage होता है, pollination करने के लिए, तो ये sepal और petal होते हैं ये। उसके बाद भी ये दो part आपके reproductive part माने जाते हैं, ये female part का काम करेगा pistil और ये मेल पार्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे लिखा एंड्रोसियम इज द, एंड्रोसियम इज द एसेंशियल पार्ट, एंड्रोसियम मेल पार्ट होता है और गाइनोसियम फीमेल पार्ट होता है, एंड्रो मतलब मेल और गाइनो मतलब फीमेल, ठीक है। तो एक एंड्रोसियम रहेगा तो उसको स्टेमेन बोलेंगे, एंड यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड कार्पेल। नॉन एसेंशियल पार्ट में आपके कैलिक्स आ गए, कोरोला आ गए, कैलिक्स का एक यूनिट सेपल एंड पेटल, ठीक है। फ्लावर बाइसेक्सुअल हो सकता है, जिसको हम मोनोसेक्स बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल होगा जिसको डाइसेक्स बोलेंगे। अब स्टेमेन की बात करोगे तो ये एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यू के सहायता से, है ना, यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से एंथर अटैच टू द फिलामेंट। एंथर इज अ टाइट थीकस, एंथर में दो थीकस होता है, एक एंथर के अंदर देखिए एंथर भाई लोड होता है, तो एंथर को डिवाइड करोगे तो एक एक दो चैम्बर है ना, चैम्बर मतलब थीका, तो एंथर जो होता है वो बाई लोड होता है, देखने में देखो कैसा लग रहा है, एक लो और दूसरा लोब, तो बाई लोब, लेकिन थीकस कितना होता है, एक लोब में दो थीकस होता है, तो एंथर इसे बाई लोब एंड डाइथीकस, है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, है ना, पोलन मदर से मियोसिस किया, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन किया, चारों फंक्शनल थे अलग अलग सेपरेट होकर के, चार माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किए, चार माइक्रोस्पोर डेवलप करके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन किए। पोलन ग्रेन के ऊपर में दो लेयर पाया जाता है,
ऊपर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्जाइम, जो स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है। अंदर वाला लेयर जो होता है वो इंटाइम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेलुलोजिक पेप्टोसेलुलोजिक मटेरियल का बना होता है। ठीक है, पोलन लेयर के अंदर में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक स्मॉलर जिसको कि जेनेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, एक लार्जर जिसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। पोलन फेज जो होता है वो टू सेल स्टेज में भी रिलीज हो सकता है और थ्री सेल स्टेज में भी रिलीज हो सकता है। थ्री सेल का मतलब कि एक जेनेटिव डिवाइड करेगा तो टू मेल गैमेट बन जाएगा और एक ये है तो थ्री सेल होगा। तो कभी कभी थ्री सेल स्टेज में जाता है और कभी कभी टू सेल स्टेज में जाता है ना। ठीक है, उसके बाद पोलन का जर्मिनेशन होगा तो वेजिटेटिव सेल जो होगा वो क्या करेगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और जेनेटिव सेल फिर से डिवाइड करके दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन किया। दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एंथर। द ऊपर अपर लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, देन एंडोथेलियम, देन मिडिल लेयर एंड देन डक्टल लेयर दैट इज द न्यूक्लियेटिव लेयर। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस में न्यूक्लियस है ना, जो न्यूज का डिवाइड सेल छोटा है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। पीरियड डिवाइड किया, मियोसिस किया, मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन किया। मेगास्पोर टेट्राड में से जो चार हैप्लॉइड सेल बने उसमें से तीन डीजेनरेट कर गए, एक जो है वो रिमेनिंग फंक्शन हुआ। वो माइटोसिस तीन बार किया, आठ सेल का फॉर्मेशन किया, आठ सेल में से तीन सेल जाकर के एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन किया, दो सेल जाकर के कंबाइंड कर दिया पोलर बॉडी का, इसलिए सेवन सेल एंटी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल थ्री और प्लस थ्री सिक्स और एक सेवन। लेकिन इसमें न्यूक्लियस की संख्या कितनी हो जाएगी।